सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आप लोगों को हमारे नारायणा वाले स्टोर से एक और वीडियो की तरफ जो है हम लोग लेके आ चुके हैं। बिल्कुल भैया, हमारे साथ है भरत भैया भारत कार से, और अभी हम लोग हैं नारायणा के अंदर। अभी हमारी गाड़ी जो है वो साफ हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ पेंट वेंट गिर गया था, तो वो जो है थोड़े भैया क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आज की गाड़ी बहुत सुपर स्पेशल है, बिल्कुल, क्योंकि आज की गाड़ी हमारे पास आई हुई है ऑल द वे फ्रॉम गोरखपुर यूपी 53 की गाड़ी हमारे पास आई है। बिल्कुल, सारी वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, भैया का क्या कहना था पहले तो ये बताओ भाई। भैया काफी खुश थे यहाँ आके, कह रहे यार मजा आ गया, आपने अच्छी जगह बनाई है हमारे लिए। ठीक है, तो भैया करौल बाग में हम वर्किंग कर ही रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अगर जिसको थोड़ा एयरी फील चाहिए कि आराम से बैठ के सब वर्किंग हो सके, आप लोग मोस्ट वेलकम हो नारायणा वाले हमारे स्टोर में जो है आप लोग आ सकते हो। आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, कैसा क्या रहने वाला है पता चलेगा, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। ओके गाइस, तो अब हम लोग जो है हमारी गाड़ी की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर हमारी गाड़ी की वर्किंग चल रही है। जिन भैया की ये गाड़ी है उनसे भी मैं आप लोगों को बकायदा मिलवाऊंगा। सबसे पहली चीज जो मैं पीछे से देख पा रहा हूँ भैया, एक्स वाली लाइटें लग चुकी है भरत भैया। बिल्कुल ठीक है, एक्स वाले आप लोगों के जो है रिफ्लेक्टर्स भी लग चुके हैं। बिल्कुल, और कस्टमर का क्या फीडबैक है भाई, अभी तक उनको काम में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है भैया, भैया यहीं बैठे हैं। ठीक है भाई, तो मैं आप लोगों को बकायदा भैया का नाम सब चीजें जो है वो बुलवाऊंगा। ठीक है, अभी आप करो भैया फोन में बात करो, कोई बात नहीं, पूरा टाइम लेके आप लोगों को दिखाएंगे। मीनवाइल यहां पर क्या वर्किंग चल रही है, गाड़ी के गत्ते गुत्ते खोल दिए क्योंकि इसमें हम लोग एमएन लाइट लगा रहे हैं। बिल्कुल, बकायदा लाइव वीडियो में आप लोगों को चेक कराऊंगा। ये इसका फ्रंट का बंपर है जिसको हमने खोल दिया है बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा एक फेवरेट ब्रांड है जिसका नाम है प्राड। ठीक है, तो उसी का हम लोग बम्पर लगाएंगे। बिल्कुल, ये ग्रिल कौन सी है भाई? ये भैया इंपोर्टेड टॉप फायर ग्रिल कहते हैं कुछ लोग इसे इंपोर्टेड 5 LED ग्रिल कहते हैं। ठीक है, 5 LED ग्रिल है। ये माइनस है? यस, माइनस वाली LED लगा ली है। ये आप लोगों का जो स्टॉक होता है वो हमने हटा दिया। अब आ जाओ भाई बम्पर की तरफ। ठीक है भाई, ये हमारा फ्रंट बम्पर है, कौन से प्रोजेक्टर वाला भरत? डुअल प्रोजेक्टर। ठीक है भाई, डुअल प्रोजेक्टर के साथ में हम इसको लगा रहे। और इसके आगे ये क्या लगाया भाई? ये भैया बुलवार। ये बुलवार उसका है जो हमारे वाले मॉडल का आता था? सब बम्परों के, सब बम्परों के लिए अवेलेबल है। यस। ओ भाई साहब, थोड़ा इसका दिखाओगे लुक जरा मेरे को भाई, उठा के दोस्त सीधा करना। और हमारे देख लो भाई ओम भैया भी यहाँ से ऑल द वे फ्रॉम करौलबाग यहीं पर वर्किंग करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। भैया सेक्सी लग रहा है ये तो भैया, बढ़िया तो बढ़िया लग रहा है। और इसमें एक बढ़िया सी 10 इंची की क्या लगाऊंगा मैं बताऊंगा, वो मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा सबसे पहले, नहीं तो ये कॉपी हो जाएगा स्टाइल। बाकी आप प्रोजेक्टर का रिस्पॉन्स देख लो। ठीक है, और ये हम लोग जो है अभी यहाँ पर रेडी कर रहे हैं, हमारी टीम वर्किंग कर रही है। अगेन सब चीज़ें अवेलेबल है, वो देखो भाई बम्पर उम्पर वहाँ पर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, और भी वर्किंग जो है इस गाड़ी के अंदर चल रही है। अंदर की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूँ। ठीक है, अंदर की तरफ में जो है पूरा का पूरा AMG AC वेंट्स वर्किंग जो है पूरी की पूरी गाड़ी की अभी जो है हम लोग कर रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, आप लोगों के सामने है, कैसा लग रहा है ज़रूर कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अभी आप लोगों का जो है एमिन लाइट वाला प्रोसेस भी जो है ऑन अगो रहेगा। अच्छा, भैया का क्या कहना था, भैया कुछ बजट लेके आए थे या भैया को क्या था करवाने का? देखो भैया, भैया को तो पहले तो माइनस वाली लाइट बड़ी पसंद है। ठीक है, उन्हें माइनस वाली लाइट, आपने बताया नहीं कि उससे भी ब्राइट लाइट है हमारे पास। हाँ, पर उन्हें वो लुक थी, इसलिए हमने ना डुअल प्रोजेक्टर डाल दिया अपना एक, और दोनों के दोनों बढ़िया प्रोजेक्टर। तो वो समझ गए थे कि हेडलाइट से उतना आउटपुट नहीं आएगा जितना प्रोजेक्टर से आएगा। और अब जब फॉग लैंप हम ऑन करेंगे तो फिर आउटपुट तो आज मजा आएगा, आज नाइट मोड में मजा आएगा, नाइट मोड में आपको मजा आएगा। आज की काफी लंबी वीडियो रहने वाली है आप लोगों को, लेकिन मजा आएगा। ये क्या होते हैं भाई? डोर हिंज। ठीक है भाई, डोर हिंजेस भी जो है हमने इसमें इंस्टॉल किए। और अभी आपके दिल में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन ये चीज़ देखो, ये आप लोगों के ओरिजिनल नट होते हैं। ठीक है, इनको हमें खोलना पड़ता है ठोक ठोक के, और लगाते वक्त भी थोड़ा ठोकना पड़ता है, और उसके बाद ही ये जो है बैठ के पूरे ये देखो टाइट हो गए, क्योंकि नहीं तो इसमें अगर मोमेंट रहेगी आप चढ़ोगे तो बार बार ही दिक्कत जो है इसमें आ सकती है। और क्या क्या लगा रहे हो उसमें भाई? और इसके अंदर भैया स्किड प्लेट लगाएंगे। स्किड प्लेट लगा रहे हो? ठीक है, बिल्कुल। बम्पर हो गया अभी शायद से, इसके अंदर ऊपर मार्कर लाइट्स भी इंस्टॉल होंगी। ठीक है, मार्कर लाइट्स भी लगाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आर्मरेस्ट निकले हुए हैं भैया के उसके लिए। ठीक है भाई, आर्मरेस्ट आप लोग देख लो, ये हमारे एसी वेंट्स निकले हुए हैं। ठीक है, मजा आ रहा है यहाँ पे काम करके ना, ऐसा लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, शोर-वोर नहीं है। हाँ, और डेडिकेटेडली काम चल रहा है, वो भी खुश है, सबके पास जगह है, अपना आराम से वो काम कर पा रहे हैं। सही बात है भाई, स्पीड भी कुछ इम्प्रूवड है और काम भी अच्छी तरीके से और ज्यादा जगह में हो पा रहा है। बढ़िया, ठीक है, इक्विपमेंट सारे हैं जिससे टाइट होगा, छेद होगा, जो होगा आपके सामने। सो गाइस, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सबसे मेजर चीज आप लोग लगते हुए देख रहे हो। और भाई मतलब जो ये बुलगार्ड वाला ऊपर से लुक है ना भाई, ये काफी अट्रैक्टिव है, काफी बढ़िया लगता है भाई देखने में। और कैसा लग रहा है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर टीम जो है उसकी सेटिंग बैठा रही है कि कैसे वो बैठेगा पूरा, क्योंकि इसके परफेक्ट लॉक्स बनते हैं भाई इसमें। और भाई जो इस लाइटिंग सेटअप होगा ना जो इसका भाई, वो इतना क्रेजी होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ये प्रोसेस है आप लोगों का एमएन लाइट का। अब कई बार क्या होता था, हम आपको अच्छी तरीके से नहीं समझा पाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर समझा दूंगा। ये हर चीज़ का मॉड्यूल होता है जिसमें आपकी लाइट जलती है। एक बार भैया दिखाना दूसरी तरफ से, एक बार नहीं इस तरफ से, इसको एक बार वो करके आपने लगा दिया उधर,
तो इधर आप लोग अगर देखोगे, ठीक है भाई, दिख भी नहीं रही है इसके अंदर लगाई, अच्छा यहाँ लगाइए क्या, अच्छा भाई, अच्छा स्मोक वाली लगा रखी है भाई, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों के सामने है, आप में से कोई भी अगर वर्किंग कराना चाहे, ठीक है भाई, पूरा का पूरा लगा है, रात में आप लोगों को व्यू दिखाएंगे, पीछे से आप लोग देख लीजिए भाई। इसमें लॉक वॉक तोड़ने पड़ते हैं? नहीं, इसमें लॉक वॉक नहीं तोड़ना पड़ता, वैसे कई सारे उसमें जैसे आप लोगों का कुछ बन रहा होता है तो उसमें लॉक तोड़ने पड़ते हैं, ये पीछे बिल्कुल फिट हो जाते हैं और ऐसी कुछ वर्किंग होती है। नेक्स्ट प्रोसेस जो आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो है आप लोगों को एम्बिएंट का, जैसे मैंने आपको गत्ते का लुक दिखाया था, ठीक है, ये भी आप लोगों का पूरा ब्लैकआउट वाला जो है लुक आपको देखने को मिलता है। इसमें भी हम लोगों ने जो है उसकी कहाँ पर लगाई है भाई बताओ, पता भी नहीं चल रहा भाई, देखो आप लोग, अब ये लाइट जलेगी तब पता चलेगा, पूरी टीम लगी हुई है भाई वर्किंग में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लगाएंगे उसको हम बोलते हैं UFO लाइट्स, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो इंस्टॉल करने वाले हैं, इनको आप लोग बोलते हो UFO लाइट्स या फिर मार्कर लाइट बोला जाता है। ये अपना इन हाउस ब्रांड है जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अगर आप में से कोई भी इंस्टॉल कराना चाहे आप लोग इंस्टॉल करा सकते हो। अभी हम इस गाड़ी में इसको इंस्टॉल करेंगे, आप लोगों को जो है एक लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आप लोगों की UFO लाइट जो है इंस्टॉल हो रही है, 3M की टेप ऑलरेडी होती है लेकिन हम लोगों ने हटाकर ओरिजिनल 3M की टेप लगाई है। अगर आप लोगों को बिल्कुल ही जिंदगी भर का फुल प्रूफ काम चाहिए हो तो सिलिकॉन लगा लेना, उसके बाद आपका पेंट ही उखड़ेगा, उसके बाद ये लाइट निकलेगी। तो वैसे अगर आप लोग चाहो तो वो वाली चीज़ भी आप करा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेट ऑफ 5 में आती है, इसकी सारी वायरिंग जो है वो अब जोड़ी जा रही है, ये सब कुछ जो है यहाँ से हिडन हो जाती है। कई सारे लोग कहते हैं ये खोल लो उसके बाद करो, कोई तुक बनता नहीं है भाई, वो बस ऐसे ही बनाने वाली बात है। तो ये वायरिंग जो आपकी फाइनल जाएगी, और इसको आप इग्निशन के साथ चाहो इग्निशन के साथ करा सकते हो, नहीं तो पार्किंग के साथ चाहो पार्किंग के साथ भी करा सकते हो, और फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का नाइट मोड में ऑफिशियली हमारे स्टोर के अंदर स्वागत है। अभी क्या टाइम हो रहा है भरत, एक बार फोन दिखाओ भाई अपना। तो लोग कहते हैं ना कितने रात तक आप काम करते हो, इट्स 11 o'clock, 17 तारीख का दिन है, पता नहीं किस दिन ये वीडियो आ रही होगी, लेकिन हम लोग अभी करेंटली है भारत कार के नए शोरूम में, जो कि है कहाँ पर है भाई, नारायणा, नारायणा के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कहते हैं ना कि पूरे मूड से आ चुके हैं कि हमने काम को जो है वो नेक्स्ट लेवल नहीं, हमने तीसरे लेवल में खींचना है, बिल्कुल भी है, ठीक है भाई। तो आज हमारे पास गाड़ी आई हुई है UP 53, यानी कि गोरखपुर, यानी कि हमारे योगी जी के वहां से जो है हमारे पास ये गाड़ी जो है तैयार होने के लिए आ रखी है, बिल्कुल, ठीक है भाई। तो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अगर आप में से कोई भी 4x2 खरीद रहा है, 4x4 खरीद रहा है, आप लोगों को हर गाड़ी का सॉल्यूशन जो है भरत के पास मिल जाएगा। भरत, सबसे पहले भैया का क्या कहना था, भैया का क्या बजट था, भैया कितने पैसे खर्च करना चाहते थे, पहले ये बताओ। भैया का बजट 1 to 1.5 के अराउंड था, ठीक है, 1 to 1.5 lakh रुपए का बजट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम लोग कितने रुपए से स्टार्ट करते थे वर्किंग? 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 25,000 रुपये से शुरू कर देते, और हम फिर ऊपर की तो हमारी कोई लिमिट है ही नहीं जहाँ पे भैया, और हम क्या प्रीमियम प्रोडक्ट लगा रहे कि नहीं लगा रहे, बिल्कुल भैया, हम अगर 30,000 का भी काम करते हैं हम कम कर देते हैं, हम प्रीमियम ही करते हैं, वो भी ठीक है, अच्छा ही करेंगे, सुनवाई हो जिसमें जिसमें सारी चीजों में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारी जो टीम है और भैया भी जो हमारे गाड़ी के अभी ओनर है, मैं उनसे आप लोगों को मिलवाऊंगा बकायदा। ओम भैया ने यहाँ पर काम किया, हमारी टीम के एक और मनीष भैया, उन्होंने भी काम करे। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग के बारे में बात करते हैं, अगर आप में से कोई भी ये मॉडिफिकेशन करा रहा है, क्या क्या ऑप्शन और मिल सकते हैं, वो भी भरत साइड बाय साइड आपको बताता रहेगा, बिल्कुल। सबसे पहले इस गाड़ी में हम लोगों ने जो है ग्रिल चेंज करी है, जो कि 7-slot ग्रिल के उसमें ऑप्शन मिल जाता है, मैं इसको मॉड्यूलर ग्रिल बोलता हूँ विथ 5-slot लाइट, ठीक बोलता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। इसमें आप लोगों को मैश भी मिल जाता है, अगर आप इसमें मैश का लुक देखोगे तो ये आप लोगों को थोड़ा सा हनीकॉम डिजाइन में जो है देखने को मिलता है, स्ट्रेट फिट है, ग्लॉसी के अंदर अवेलेबल है। क्या ये हमें मैट में मिल जाता है? बिल्कुल, ये मैट में मिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है भाई। तो ये ग्रिल देख लो भाई, आप लोगों को प्लग एंड प्ले वाले तरीके से जो है पूरी की पूरी इंटैक्ट जो है लुक वाइज आप लोगों को मिल जाता है। इस ग्रिल में हमारे पास कितने तरीके के और ऑप्शन है भाई जो हम लगा सकते हैं? भैया इस ग्रिल में एक ऑप्शन और है, और दो लाइट्स के ऑप्शन है, येलो और स्मोक, ठीक है। तो वो कैसे 4 ऑप्शन हो गए वैसे तो, ठीक है। फिर हमारे पास मैट है, फिर अब हमारे पास कलर में भी ये ग्रिल्स आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। आप जो उनका बॉडी कलर चाहो, बिलेट्स लगाना चाहो, बिलेट्स में ऑप्शन आ जाता है। और फिर तो 7-slot ग्रिल में तो भैया हमारे पास वैसे हमारे पास मेरे ख्याल से 15 to 17 टाइप की ग्रिलें हैं यहाँ पे अवेलेबल है, अवेलेबल है। तो भाई ऑफिशियली आप लोगों को भरत कार में मिल जाएगी, मार्केट के अंदर इतनी सारी ग्रिलें आ चुकी है जो कि ABS और सो कॉल्ड आप लोगों की जो है अजीब अजीब सी क्वालिटी आती है, पेंट क्वालिटी का कोई मजा होता नहीं है। तो भाई देखो मार्केट है, सामान तो बेचेगी, लेकिन आप अकलमंद हो, पैसा आपका लगना है, प्लीज़ सोच समझ के लगाइएगा। अब एक हेडलाइट जो भैया ने लगाई है माइनस वाली लाइट है, पर्सनली मैं ये लाइट को बुलेट वाली लाइट बोलता हूँ, हाँ जी ठीक है, आपने पता ही मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई बुलेट वाली लाइट। भैया को आपने क्यों नहीं बोला कि और ब्राइटर लाइट भी आपके पास है? भैया का यह मन ही है था, किन्नी को होता है ना कि मेरे को मन है कि ये लगाने का, कोई भी नहीं, वो कह रहे मेरे को हेडलाइट माइनस वाली चाहिए, ठीक है। तो फिर उनको मन था कि 2 प्रोजेक्टर वाला बम्पर लगाने का भी, ठीक है। तो मेरे को था कि लाइट की तो दिक्कत नहीं होगी जब हम 2 प्रोजेक्टर लगाएंगे। सबसे बेस्ट हेडलाइट कौन सी है अगर आप लोग हेडलैम्प में लगा रहे हो?
भैया हमारी तीन हेडलाइट्स मेरे हिसाब से जो मैं रिकमेंड करता हूँ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बता दो भाई। एक हाइपरसोनिक की अपनी 150 वॉट वाली, ठीक है, एक हमारी इन्वर्टेड यू वाली, ठीक, एक किंग कॉन्ग प्लस वाली, ये तीनों परफेक्ट हो गया भाई। ये तीनों बहुत अच्छी हेडलाइट्स। ऑन कैमरा कोई इतने अगर तरीके से बता दे बढ़िया सा तो मेरे को बता देना। इसके बाद हमने इसमें प्राड का ड्यूल प्रोजेक्टर वाला बम्पर लगाया जो कि लोहे का आप लोगों को मिलता है। कायदे से ये हमारी दूसरी गाड़ी है जिसके अंदर हम लोगों ने ये बुलबार लगाया, ठीक है। इस बुलबार में आप लोगों को तीन नट का ऑप्शन मिलता है, इसको ब्लैक करवाना चाहो करवा सकते हो। हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं था तो हमने नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्त में जो भी कस्टमर आ रहे हैं ब्लैक नट अवेलेबल कराएंगे, बिल्कुल, ठीक है। नहीं करवा पाएंगे तो पेंट वाला कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन कराएंगे। इसमें ये कटिंग नहीं आती है, हम लोगों ने इसमें बकायदा छेद किया है, बिल्कुल, और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसका इंस्टॉलेशन इसके अंदर अवेलेबल कराया। ऐसा कुछ इसका फ्रंट का लुक लगता है, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपना ओपिनियन देना। प्राड इज नोन फॉर देयर ऑल, जो कहते ना कि भैया एक एरोडायनेमिक बनाना है, बम्पर की एस्थेटिक के साथ नहीं खेलना है, लोगों के फीलिंग के साथ नहीं खेलना है, लोगों की लाइफ के साथ नहीं खेलना है, बिल्कुल, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं एयरबैग खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, 99% मैं तो ना बोल के चलता हूँ, बिल्कुल, एट योर ओन रिस्क। लेकिन भैया जिन जिन लोगों की ट्रैवलिंग ही ऐसी जगह है जहां पर एयरबैग भी उन्हें नहीं बचा पा रही है, बिल्कुल, तो वहां पर आप समझ सकते हो। ऑफरोडिंग और जहां पर भी आप लोग गाड़ी लेके जाना चाहते हो वहां पर आप लोग जो है अपना मन इसमें बना सकते हो। इस गाड़ी में सबसे जो रेवोल्यूशनरी चीज है वो है प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स। अगर आप लोग चाहो तो इसमें और क्या लगवा सकते हो? इसमें एलईडी बल्ब्स लगा सकते हैं, फॉग लैंप्स लगा सकते हैं, बट प्रोजेक्टर बायफोकल ब्रो, सही चीज बताओ जो हमने नई चीज लाया। बायफोकल तो भैया फिर गेम एंड हो जाएगी जब एक बम्पर तो दिखाएंगे, ठीक है। डबल प्रोजेक्टर ऊपर फिर टू बायफोकल फॉग लैंप्स, परफेक्ट हो गया, ठीक है। रियर में ये कवर्ड होता है क्योंकि इसमें जो है इतनी जगह होती है कि कवर किया जा सके। वायरिंग आप लोग साइड से देख पा रहे होंगे सारी ऊपर जा रही है, परफेक्ट तरीके से टाई बेल्ट मारा गया है मेरी गाड़ी में ऑलरेडी। मेरी गाड़ी तो कितनी चलती है भाई, मेरी गाड़ी में पूरी टीम ने वर्किंग करी थी एंड इट्स गोइंग एब्सोल्युटली इनसेन और जबरदस्त चल रहा है। फ्रंट फ्रंट के बारे में अगर आप लोग बात करोगे आपका दिल जो है ये गाड़ी लूट चुकी है। तो हमारे साथ हमारे भैया भी, एक बार भैया इसका फ्रंट ऑन करके दिखा दीजिए। और जैसे ही भैया ऑन करेंगे आप लोगों को कुछ लाइटिंग, सबसे पहले इग्निशन ऑन करके दिखाइए, बस पहले इग्निशन का आपको लुक दिखाता हूँ, ठीक है भाई। तो आप लोगों के जो DRLs है वो आप लोगों के ऑन हो चुके हैं, हेडलैम्प DRLs, आप लोगों के साइड वाले DRLs जो ऑन हो गए। भरत कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रही है गाड़ी, तो अच्छी लग रही है, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉग लैंप्स को देखने के लिए क्योंकि तेरे को पता है कि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल होंगे। हेडलाइट जलाइए सर, ठीक है, हेडलाइट ज़्यादा, मतलब ये भैया ने आई गेस अभी क्या पार्किंग ऑन किया? ओ ठीक है, पार्किंग वाला रिस्पॉन्स ऑन हुआ है, पार्किंग में लाइटिंग डिम हो गई। ये पाँचों स्लॉट आपके ऑन हो चुके हैं, कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन खुला है ज़रूर बताना। ऊपर की हमारी जो लाइटिंग है जिसको आप UFO लाइट्स बोलते हो या फिर आप लोग जिस भी नाम से इसको समझते हो वो आप लोग समझ सकते हो, ये आप लोगों के कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाएगा, येलो वाइट वाइट येलो, जैसा आप लोग चाहो वैसा आप लोग कलर जो है लगवा सकते हो। इसमें कलर ऑप्शंस भी है, बिल्कुल, अगर आप चाहो तो कलर ऑप्शन चेंज करा सकते हो, लाल भी लग सकता है इसमें। लाल अभी किसने बनाई नहीं, बिकॉज कुछ कुछ जगह पे इलीगल है लाल लाइट्स, ठीक है, छत पे, बट लगा सकते हैं, लगेंगी। मेरा मानना था, ये आपने बता दिया, मेरा भी मन था कि कुछ लाल है, ठीक है भैया। फॉग लैंप के अभी दिखाएंगे, पहले एक बार हेडलाइट ऑन कीजिए, तो भैया एक बार सामने से हट जाइए, अभी अगर आप जस्टिस देख पाओगे, मारो भाई डिपर, ठीक है। तो इट इज़ डिसेंट इनफ, आई विल नॉट से इट्स अ ब्राइटेस्ट ऑप्शन जो भैया ने ऑप्ट किया, ये बिल्कुल ब्राइटेस्ट नहीं है, लेकिन भैया ने जो नीचे लगाया है ये ब्राइटेस्ट है। करो भैया ऑन, ओ भाई साहब जमीन आसमान का फर्क, मारो डिपर, वो देखो भाई। अब मैं आप लोगों को ऑन कैमरा ये चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों को मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलता हूँ, मॉडिफिकेशन के लिए रिकमेंड करता हूं, लेकिन इन प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स के साथ अगर आप रोड पे जा रहे हैं, अगर आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो जी हाँ अच्छी बात नहीं है, एंड यू कैन बी चलान आल्सो फॉर दिस। तो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलाना, ठीक है भैया, बोलो थम्स अप, बोलो थम्स अप बोलो, ठीक है। तो ऑन कैमरा ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इसका फ्रंट का लुक है, आतिशबाजी वाला लुक है, बाहर ये रोड पर गाड़ी निकलेगी तो ये नज़रें लेगी। अब वो किसकी किसकी नज़रें लेगी वो भैया ही बताएंगे जब गोरखपुर जो है पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग गाड़ी के साइड प्रोफाइलिंग की तरफ में। साइड प्रोफाइल से अगर गाड़ी में आप लोग देखते हो तो भैया ने अलॉय व्हील अभी अपग्रेड नहीं कराया, लेकिन कब प्लान कर रहे हैं भैया? भैया का नेक्स्ट अपग्रेड अलॉय व्हील्स और एक और चीज़ है बुलवार में, वो भी बताएंगे, वो बताएंगे नहीं, वो आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। भैया का बजट थोड़ा सा अप हो गया था, जो कि ऑफकोर्स ही बात है, 1 से 1.5 लाख रुपये जब आप वर्किंग करा रहे हो इतनी महंगी, तो भाई बजट ऊपर नीचे आना बनता है। ये खोले ओरिजिनल नट, ये लगाया हमारा डोर हिंज, और यहाँ पर आपका सौदा जो है वो तैयार हो चुका है, और ओरिजिनल नट ही वापसी लगा दी है। भरत भैया लाइव टेस्टिंग, चलो ये रहे हमारे भैया जिनका भी एक्सप्रेशन लेंगे, इनसे पूरा लाइव पूछूंगा, देखो भाई कि प्रोडक्ट लगा रहे हो तो उनमें दम है कि नहीं है। एक तो इनकी हाइट इतनी लंबी है कि इनको मज़ा ही आ जाता होगा, ठीक है भाई, ये देखना, ठीक है भाई, ये देखो भाई, ये वो रॉजर फेडरर वाले जूते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को हमारे वीडियो में दिखाते हैं, रॉजर फेडरर वाले जूते आप लोगों को मैंने दिखा दिए, ठीक है।
अब इसके बाद हमारे भैया जो है वो बाहर आ जाएंगे। थैंक यू भैया लाइट ऑन करने के लिए। हमारे भैया जी बाहर आ रहे हैं और बड़ी अच्छी टीम है यार हमारे पास, बड़ी लॉयल टीम है हमारे पास, बड़ी बढ़िया जो कहते हैं ना वर्किंग वाली टीम है। हमने इस गाड़ी में एमियन लाइट लगाई है। कस्टमर का ये कहना था कि आपने मेरे को रियर में एमियन लाइट क्यों नहीं लगा के दी, क्यों नहीं दी भाई बताओ? रियर के अंदर बिकॉज रियर के अंदर ना भी हमें स्टिक करनी पड़ती है एमियन लाइट, उसका कोई फायदा है नहीं, मजा ही नहीं आता ना फिर भाई। वो शॉर्ट भी तो कर सकती है ना, पीछे मेटल बहुत ज्यादा है तो वो शॉर्ट हो सकता है। बिल्कुल है ना भाई, ये एक चीज है। यहाँ पर आप एमियन देखो, बॉटल होल्डर के अंदर भी आप लोगों को जो है रिस्पांस देखने को मिल जाएगा, फुट लाइट्स भी देखने को मिल जाएगी। इसमें हम लोगों ने जो है आर्मरेस्ट लगा के जो है इसका पूरा एक मेकओवर लुक जो है वो आप लोगों के सामने दिया है। आप लोग AMG के AC वेंट्स भी जो है इसमें चेकआउट कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को कलर ऑप्शन वाइज जो है मिल जाता है। कैसा लग रहा है गाड़ी का लुक जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना। इसमें हमने रियर आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो फिनिशिंग वाइज गाड़ी कैसी लग रही है आप लोग अपना ओपिनियन जो है वो मेरे को जो है देखे जाना भाई, क्योंकि ये आपका काफ़ी हमें मैटर भी करता है। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के रियर की तरफ में। रियर की तरफ में आप लोगों को जैसा पता है वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था हमने एक्स वाले टेल लैंप्स इसमें डाले हैं। इनकी कोई सुनवाई होती है भाई अगर खराब वराब हो जाए? नहीं, हम तो कर देते हैं। सो गाइज, हमारी गोरखपुर से जो पूरी टीम आ रखी थी जिन्होंने अपनी गाड़ी में वर्किंग कराई थी, वो भैया लोगों की शक्लें जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। लेकिन भाई कहते हैं ना कि थोड़ा सा लक जो है यहाँ पर ख़राब हो गया, क्योंकि हमने जो माइक आप देख रहे होंगे भैया ने हाथ में पकड़ा हुआ था, ये माइक तो ऑफ था ही था। मेरे वाला माइक का भी कुछ वायरिंग का कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उसने ऑडियो आउटपुट उठाया नहीं। और भाई भैया लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू दिया एंड देवर रियली रियली हैप्पी। वो हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमारी वीडियो देखी और उसके बाद डायरेक्टली वो हमारे पास आए। इनके ये तीन फ्रेंड तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, तीनों के तीनों दोस्त। इनके फोर्थ फ्रेंड जो यहाँ पर थे थोड़े से शाये थे, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को इनकी फीलिंग एक्सप्रेस करके बताना चाहूँगा। तो वो एक ही बात को कह रहे थे कि यार उनको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए था और जो बजट के साथ वो आए थे उस बजट के ऊपर उन्होंने वर्किंग करी। और इसी के साथ में ये कुछ सामान जो है भैया रखवा के भी गए जो कि आने वाले टाइम पे ये अपनी गाड़ी में लगवाएंगे। और उन्होंने कहा कि नहीं भैया प्री बुक करके मेरे लिए रख दो। एंड इनकी खुशी से इनके दोस्तों का सबका जो है आप लोग साथ देख सकते हो भाई, एक फील जो है इनको बड़ी ज़बरदस्त आई थी। एंड अगेन इसके बाद मैं आप लोगों को नाइट वाला मोड भी दिखाऊंगा तो उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सो ये क्लिप बहुत ज़बरदस्त थी, अगर ऑडियो किसी तरीके से मैं वापसी ला पाता तो मैं ज़रूर लाता। तो भैया लोग सब ने जो है हमें काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू दिया और बहुत अच्छा फीडबैक दिया। सो गाइज़ चलो कोई बात नहीं, भैया लोग अगली बार आएंगे तो फॉर श्योर इंस्टाग्राम में भी वीडियो डालेंगे भैया के और वैसे भी आप लोगों को दिखाएंगे। सो आई होप आप लोगों को जो है रिव्यू तो सुनने को नहीं मिला लेकिन मेरी आवाज़ से जो है आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि भैया लोग कितने एक्साइटेड थे। नाइट मोड के लिए सब लोग बड़े बेताब हो रखे हैं यहाँ पर कि भैया होने क्या वाला है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, रात को 12 बजने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी इसमें केवल जो है DRLs ऑन हो रखे हैं। भैया हेडलाइट ऑन कीजिए अभी, बस हेडलाइट ऑन कर दो अभी। अच्छा ये लो भाई, पहले ये लो आप लोग, इसके मजे लो ठीक है। और इसके साथ में ये भी आपका हेडलैम्प ऑन हो गया। फॉग लैम्प ऑन कीजिए सर, ये फॉग लैम्प का लो बीम ऑन हुआ है भाई, ये देख रहे हो आगे बन रहा है। अब हाई बीम दिखाओ, वो देख रहे हो भाई, अब डिपर मारो। अब आप लोगों को जो है इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि मज़ा चाहिए होगा। मज़ा आ रहा है भैया? है हाईवे में मुझे लग रहा है तुम ही चलोगे सबको देखते हुए। रिस्पॉन्सिबली चलाना भैया इसको, बहुत लोगों को तंग नहीं करना। हाँ मतलब हाई बीम भी नहीं मारनी तब भी हाईवे में, आराम आराम से चलाना जिससे लोग परेशान ना हो। लुक कुछ ऐसा दिखता है, कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर हमें बताना। गाइस आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस व्लॉग, और जितने अच्छी तरीके से मैं वीडियो बना सकता था मैंने बनाया, भरा समझा सकता था समझाया, और हमारी टीम जितने अच्छे तरीके से काम कर सकती थी वो हमने काम किया। एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भैया भरत कार को एक बार ही मौका जरूर दीजिएगा अपनी थार को तैयार करने के लिए। और भाई मुसाफिर एश्योरेंस है भरत कार पे, और आप लोगों को पता है मुसाफिर भैया जहाँ ठोक के बोलते हैं कि हाँ भाई यहीं से काम कराना है वहाँ पर काम A1 ही होता है। ठीक है भाई, भरत को मौका दो, हमारा नया स्टोर है नारायणा, आप लोग करौल बाग में तो हमें अंधा मतलब अंधे से मतलब जितना भी हम ग्रेटफुल हो उससे कमी होगा। बिल्कुल भाई, आपने बहुत अंधा प्यार दिया, तो ऐसे ही प्यार यहाँ पर भी बरकरार रखना है, वहाँ पर भी बरकरार रखना है। ठीक है, तो आपके लिए ही ये स्टोर बना है, आपके लिए ही एक्सपीरियंस जोन है, आओ पार्ट बनो। आज की वीडियो में इतना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम मुसाफिर तगारा, फेसबुक मुसाफिर कार्स, ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय।